गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। बाल बाल बच्चे, सैकड़ों बच्चे एक एक कर स्कूल भवन में 4 में से 3 पिलर एक साथ गिरे। पीछे गए रास्ते को से बच्चों को अनफान में निकाला गया बाहर। बच्चों के फेंके गए जल्दी जल्दी बैग। दमोह जिले के जनपद शिक्षा केंद्र जवेरा के प्राइमरी स्कूल कुसमी मानगढ़ में स्कूल भवन में कक्षा संचालित थी और अचानक से भवन जर्जर पिलर एक एक करके गिर गए। गनीमत रहे कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और शिक्षकों की सजगता से स्कूल भवन में सही बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा शुक्रवार 7 जुलाई का बताया जा रहा है। यहाँ के जर्जर प्राइमरी स्कूल भवन छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। मरम्मत नहीं होने से भवन में 4 पिलर में से 3 पिलर भरभराकर धराशायी हो गए। जैसे ही पिलर गिरने की आवाज़ सुनाई दी, स्कूल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और शिक्षकों ने सजगता दिखाते हुए तत्काल स्कूल भवन से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इसके बाद भवन के अंदर रखे बच्चों के बस्ते व स्कूल की अन्य सामग्री कुर्सी टेबल भवन के बाहर फेंकते हुए शिक्षक दिखाई दिए। बताया गया जिस जर्जर भवन के पिलर गिरे थे उसमें पहली एवं दूसरी की कक्षाएं संचालित की जा रही थी। अचानक 11:30 बजे भवन के पिलर एक एक कर गिरना शुरू हो गए। शिक्षकों ने बताया कि जर्जर स्कूल भवन की जानकारी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अनेकों बार दे दी गई, बावजूद इनके भवनों की मरम्मत कार्य की ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। हमारे संवाददाता निवेश जैन ने जब हेडमास्टर मानक सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा जर्जर भवन के विषय में अनिल कुमार पत्र विभाग कर वरिष्ठ अधिकारियों को इस गंभीर समस्या से अवगत भी कराया जा चुका है। सरपंच कप्तान सिंह कुसमी मांगा का कहना है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए कि जल्द से जल्द जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत और निर्माण पर ध्यान दें, नहीं तो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। अभी तो स्कूल भवन के पिलर गिरने से बच्चों की किस्मत रही कि उनकी जान बच गई, वहीं इस घटना को लेकर अभिभावकों ने चिंता व्यक्त करते हुए मरम्मत की मांग की है। BRC प्रवेंद्र वेद का कहना है कि यह घटना शुक्रवार की दोपहर के समय की है जहां पर अतिरिक्त कक्ष के एक एक करके 3 पिलर गिरे। हादसे में कोई शिक्षक बच्चे हताहत नहीं हुए। जय स्कूल भवन की जानकारी शासन प्रशासन को दे दी गई है। उपयंत्री के द्वारा मौका मुआयना भी किया गया है लेकिन अभी तक मरम्मत कार्य के लिए राशि प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही राशि प्राप्त होती है मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं जर्जर भवन को बंद कर दिया गया है, कक्षा एक दूसरे भवन में लग रही है। इस संबंध में अविनाश रावत SDM तेंदुहोला का कहना है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी को भेजकर जर्जर स्कूल भवन की जानकारी मांगते और कितने भी जर्जर स्कूल भवन सूची कार्यालय को प्रेषित करने को कहा गया है। साथ ही शिक्षकों को आदेशित किया गया है कि जर्जर भवनों में बच्चों की कक्षाएं नहीं लगाएं। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक ऐसे स्कूलों की मरम्मत कराता है जिससे बच्चे अच्छे से बिना जान जोखिम डाले शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सिग्रामपुर से निवेश जैन की खास रिपोर्ट।